Happy birthday to you. Kick out. Arre shabash. क्या हुआ नजीब भाई, आप परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ यार, पैसे ही नहीं बच रहे, मुनाफा ही नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा, अगर फाइक भाई आ गए तो उन्हें क्या दूंगा। क्या दोगे, जो होगा वही दोगे। अरे सर, फाइक भाई आप सही टाइम पे आ गया। ये तो हो गए 10,000, बाकी 5,00,000 का सीधा सीधा हिसाब दो। मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश का वक्त खत्म हो गया यार। देख नजीब, एक तेरे पास ये दुकान है, एक दुकान तूने किराए पे दी हुई है, इनमें से कोई एक चीज बेच के मेरा कर्जा क्यों नहीं उतार देता यार। सब गिरवी है। ओ, तू साहिबे जायदाद नहीं, तू तो मकरूज है। चल तुझे 2 दिन का टाइम देता हूं, मेरा कर्जा वापस करो वरना ये दुकान तुम्हारी होगी और ताला मेरा। नहीं भाई, भाई मैं इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन बस, 2 करता हूं। ये किसकी तरफ से? ये मेरे दोस्त ने दिया है। खोल के दिखाओ। इसमें तो ट्रक है। बाबा देखिए मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। बाबा मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल गया यार। आप भूल नहीं सकते, इतना ट्रस्ट करते हो मुझ पे। मनीरा बेगम कुछ सीखे अपने बेटे से। इसको सिखाया भी मैंने ही है जनाब। अच्छा जल्दी दें। अच्छा पहले आंखें बंद कर। तो फिर मुझे नजर कैसे आएगा? यार आंखें बंद कर लो ना, बाद में खोल लेना। अच्छा ठीक है, जल्दी। हाँ, 1, 2, 3 खोलो आंखें। ये तो मेरी कार है। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा। लव यू। ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट है। चलिए बाबा बाकी भी खोलते हैं। देखो मेरा 6 आया। ओए वापस करो। दो मुझे सोफिया। सोफिया सोफिया। ओहो वो छोटी है, नहीं करो यार। तुम खड़ी हो तो जबरदस्ती करोगी, मैं नहीं दूंगी। मैं तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, हमेशा यही करती हो मेरे साथ। मुझे दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। नहीं मुझे दो, फौरन दो। तमीज नहीं है तुम्हें? और तुम्हारा दुपट्टा कहां है? दुपट्टा पहनो। और तुम इधर आओ। इस टाइम पे घर पे क्या कर रहे हो तुम? मैं खेल रहा था। ये खेलने का टाइम है? जाओ जाकर घर में सो जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अभी तक यहीं खड़े हो, दफा हो जाओ। तुम मेरे सामने मत आया करो, मनहूस लड़की। नजीब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्चियां खेल ही तो रही थी। तो क्या करूं मैं, सर पे बिठा के खिलाऊं? मानी तो। नजीब क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। करो शराफत से लगवा लो वरना पूरी रात गाल पे दर्द होता रहेगा।
हम उसे डांटेंगे। डांटना अच्छी बात नहीं है। मारना भी तो अच्छी बात नहीं है। बाबा बहुत अच्छे हैं। अबू बहुत गंदे हैं। मुझे प्यार करते हैं। मुझे मारते हैं। इतने सारे गिफ्ट लाते हैं। मुझे कुछ नहीं लिख देते। मेरी बात मानते हैं। इतना गुस्सा करते हैं। मेरे साथ खेलते हैं। डांट के पका देते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। दुनिया के सबसे गंदे अबू हैं मेरे। I love you. I hate him. बस कर दो मत। सलमा, मेरा फोन किधर है? चाबियां कहां हैं? ये रही आपकी चाबियां और ये फोन आपने बाहर चार्ज पे लगाया हुआ था। हजार बार बोला है तुम्हें मेरे तैयार होने से पहले सारी चीजें सामने होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी बेटियों से फुर्सत मिले तो ना। अच्छा छोड़े ना, गुस्सा ना करें। मैं कह रही थी कि सोबिया का स्कूल तब्दील करवा देते हैं। वो स्कूल जाते हुए बहुत रोती है। सुबह हुई नहीं और खर्चे शुरू। यहाँ पे खाने के लाले पड़े और तुम्हें स्कूल बदलवाने के चौंचले। लेकिन नजीब, बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। देखो ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारी सोबिया को स्कूल से निकाल के घर में बिठा लूंगा। बड़े होके वैसे भी चूल्हा चौकी करनी है, इतने खर्चे करने की जरूरत? और वैसे भी साहिस्ता भी इसी स्कूल में पढ़ रही है, इससे क्या मसला है? अम्मी। लो शुरू हो गई, सुबह हुई नहीं और बेसुरे राग। जाओ जाके संभालो उसे। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ उसे। अच्छा जाओ जाओ। जा रही हूँ। सारे दिन का सत्या नाश करती है। चुप कर जाओ सोबिया। अम्मी चुप कर जाओ सोबिया। अबू अभी दुकान पर नहीं गए, सुबह सुबह मार खानी है क्या? ऑटो लगा के दिखाया। अम्मी चुप हो जाओ। अम्मी जल्दी से आए। ओफो, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या मसला है? वही स्कूल का मसला। गंदा स्कूल है, मुझे वो स्कूल नहीं जाना है। अम्मी आप अबू से बात करें ना प्लीज, हर रोज का इसका ड्रामा होता है। बेटा मैंने बात की थी लेकिन वो नहीं मान रहे। मुझे नहीं जाना वो स्कूल। ओ बस कर दो, चुप कर जाओ, थकती भी नहीं हो तुम। अबे नाश्ता मिलेगा? जी आई। कितना स्कूल है? चुप कर जाओ। किधर मर गए हो सारे? ले भी आओ नाश्ता। क्या हो गया है? आई आ रही हूँ। अम्मी आप जाएं, वो शोर कर रहे हैं, इसको मैं देख लेती हूँ। संभालो इसको वरना आ रही हूँ। चुप नहीं कर सकती हो तुम, सुबह सुबह तमाशा खड़ा कर देती हो। चुप हो जाओ, बस अब थप्पड़ पड़ जाएगा मुझसे। इसीलिए इंशाल्लाह बुला लेंगे। ले लेंगे। ओ अरे मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो आसिफ? जब से टैबलेट आया ना अपनी होश है ना पढ़ाई की। अभी नया टैब आया, दो दिन की तो बात है। हाँ आप तो चले जाएंगे ऑफिस, मुकदमा मुझे पड़ेगा। बाबा देखिए मैंने कितने लेवल कह दिए। अरे वाह क्या बात है। तुम्हारी लेवल्स तो मैं सेट करती हूँ। मामा वापस दे। बिल्कुल भी नहीं। क्या करती हूँ मुनीरा, जब से टैबलेट आए कुछ कर ही नहीं रहा। मामा प्लीज दे दे। नहीं बाबा प्लीज हेल्प मी। अच्छा एक सेकंड। बेटा मामा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर हमने जिद की ना तो पिटाई हो जाएगी। होती है। अरे सारी बातें पब्लिक में नहीं लाते बेटे। मामा प्लीज। जाओ। हटे पीछे, मैं आपसे नाराज हूँ। आपके लाड प्यार ने ना इसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़? तो आपने भी हमें दिया है। आसिफ आज मेरी शहजादी, नाश्ता तैयार है। कर लिया लाड प्यार, बिगाड़ दो इसे। नजीब बच्ची है, बच्चे से तो करते ही है ना। तो क्या सर पे बिठा लूं? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जी चाय भी तैयार है, लाती हूँ। क्या हो गया है नजीब, क्यों सुबह सुबह चीख रहे हो? जब सुबह सुबह नहुसत हो ना ऐसे ही गुजरता है सारा दिन। अम्मा बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, इस तरह नहुसत तो ना कहो। कैसी रहमत अम्मा, जब से ये मनहूस सोबिया पैदा हुई है ना
कारोबार खसारे में जा रहा है, जिस चीज को हाथ लगाता हूं मिट्टी में मिल जाता है, सर से पांव तक कर्जों में डूबा हूं। इसमें उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? तो ठीक ही तो कह रहा हूं अम्मा, कोई बेटा होता ना उम्मीद होती। इस सोबिया की काली किस्मत ने मेरे मुंह पर भी कालक मली और मेरे कारोबार पर भी, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी पैदा होती है। बस एक लफ्ज और ना बोलना, क्यों अल्लाह के कहर को आवाज देते हो, बस करो। देखो बेटा, अब अल्लाह को मंजूर नहीं था, आखिर दो बेटे तो दिए थे ना, वो मुर्दा पैदा हुए तो उसमें किसी का क्या कसूर है? इसमें कोई अल्लाह की मसलहत होगी। मसलहत 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 मेरे लिए लगी है मसलहत। नजीब चाय तो पीते हैं। दिमाग खराब कर दिया। हाय, पागल हो गया है, समझ नहीं आती क्यों इसके दिमाग पर हर वक्त गुस्सा सवार रहता है। अच्छा ये गौर से देखो, इसको इस तरह से होल्ड करते हैं और ये इस तरह से भी जाते हैं। बेटा आप जाओ। वाह वाह, दिखाइए आप, अब सारा दिन बच्चा बाजा बजाता रहेगा। मेरा सुनो तो सही, क्या हो गया, हमारा बेटा कितना अच्छा बाजा बजा रहा है। जी जी देख रही हूँ, लेकिन इसे नहीं टाइम को। आपको याद है आपने ऑफिस से पहले इसके स्कूल जाना है, मीटिंग है। अरे हाँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने निकलना है यार। कोट तो भूल जाते हैं। अच्छी बीवी और अच्छी बात कभी ना भूले, इसका फॉर्मूला है आपके पास? जी नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और तुम पढ़ाई करो, उठो शाबाश। आसिफ जल्दी करो, अब क्या सारा दिन यूं ही रोती रहोगी तुम? और क्या करूं अम्मा, अब तो आधी हो गई हूं मैं। क्या आधी हो गई हो? इसमें ना तुम्हारा ना इन बच्चियों का, अरे किसी का भी तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन पता नहीं ये नजीब क्यों नहीं समझता सब कुछ। कभी कभी तो दिल चाहता है कि अगर सब कुछ मेरे बस में हो तो मैं अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अरे शुक्र करो अल्लाह ने सोबिया को सही सलामत पैदा किया है, वरना दो मुर्दा बच्चों के बाद सुबिया के हाथ पांव सलामत होना किसी मोजे से कम नहीं है। ये सब मैंने नजीब को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर लगता है वो तो इस मामले में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अरे कौन समझाए नजीब को, जो कारोबार में बरकत है ना माशाल्लाह, ये इन बेटियों की वजह से है। अरे सुबिया बेटी आई है, आज स्कूल नहीं गई? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों भाई? मुझे अच्छे स्कूल जाना है। अबू हमारा भी अच्छे वाले स्कूल में एडमिशन करा दें। जी नहीं, जिस स्कूल में मैं होंगी उस स्कूल में कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अबू एडमिशन कराते हैं या नहीं। ताहिर बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अगर उस वक्त मुझे डॉक्टर ने मना ना किया होता ना तो मैंने, बस बस अल्लाह ने जो दिया है ना सबर शुक्र करो, बस इनकी तरबियत अच्छी करो, वरना होने को क्या नहीं हो सकता था। अरे यूं ही बैठी रहोगी कि बच्चों को कुछ खाने को भी दोगी? सुबह से उठ के बैठी नहीं है वो। अम्मा सोबिया को आज छुट्टी कराई है, स्कूल जाते हुए इतना रोती है वो। तुम स्कूल बदलने का कह रही थी ना? सख्ती से मना कर दिया है आपके बेटे ने। अच्छा वो सोबिया कहाँ है, बुलाओ उसे। देखती हूँ। सोबिया सोबिया
अच्छा फूफू मैं जा रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया कहाँ जा रही है, बैठो हमारे साथ नाश्ता तो करो ना। नहीं फूफू, अब्बू चले गए होंगे, अम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी। अच्छा तो अब्बू की डर की वजह से तुम यहाँ आई हो। जी, वरना वो मुझे मारते। ओहो सोबिया, बच्चे ऐसे नहीं कहते, घर से बाहर आके तो शिकायत भी नहीं करते। फूफू आपको नहीं पता, मेरे अब्बू मुझे देख लेना उनको गुस्सा आ जाता है, वो मुझसे नफरत करते हैं। तो तुम उनके सामने जाया ही ना करो। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। अच्छा फूफू मैं जा रही हूँ। ठहरो बेटा। अल्लाह की मां, ये नजीब क्या कर रहा है? बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, ये उससे नफरत कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई की क्या सहमियत हो गई। इस तरह बच्ची बिगड़ जाएगी, उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ संजीदगी से कुछ करना पड़ेगा। आसिफ, आसिफ बेटा ऐसे तुम क्यों बैठे हुए हो? बस पार्टी हो गई या पढ़ाई करो। मामा थोड़ा सा खेलने देना। स्कूल से छुट्टी है, होमवर्क से नहीं। चलो जाओ अपना होमवर्क करो। मामा क्या है यार। चलो उठो मेरा बेटा, उठ जाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी शूज पहनो। मामा ये क्या बात होती है, बस थोड़ा सा और। मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का होमवर्क कंप्लीट करो, जाओ ऊपर जाओ। अरे आप कुछ भूल गए, क्या हुआ? For you, madam, with love. Okay, bye bye. मामा क्या है आसिफ? मेरा टैब कहाँ है? मैंने अभी चार्ज पे लगाया है, अभी नहीं मिलेगा, पहले पढ़ाई खत्म करो। मुझे खेलना है, दे देना। नहीं। इतना प्यारा रोज है आपके पास, यही दे दें? ठीक है जाओ ले लो। थैंक यू। अरे मुनीर आपने ऑफिस नहीं जाना। शाकरा तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बाजी? बिल्कुल ठीक हूँ। मुनीर ने मिले तुम्हें भी? अभी जाते हुए देखा मैंने उनको। अच्छा आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। और सब खैरियत से हो गया कल? सोबिया, सोबिया रुको, कहाँ गई थी? पप्पो के घर। क्यों चली जाती हो सुबह सुबह? अबू को मैं अच्छी नहीं लगती। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, बैठ। अबू को ना बस तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता। रोई तो मैं कल भी नहीं थी, फिर भी अबू ने मुझे मारा और डांटा था, और अब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, डांटते मारते गंदे हैं अबू। सोबिया ऐसे नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहते ऐसा? अबू मुझे अच्छे नहीं लगते। सोबिया ये क्या कह रही हो, पिटाई हो जाएगी अब तुम्हारी। क्यों पिटाई हो जाएगी? दो थप्पड़ भी लगाऊंगी। अभी अबू जैसी डांटती और मारती है। सोबिया रुको, बदतमीज, दिन ब दिन ढीठ होती जा रही है। क्या बात है सलमा, क्यों डांट रही हो बच्ची को? अम्मा आप इसकी बातें तो सुने। अच्छा छोड़ो भी बातें सुनो, कहाँ थी सुबह से? पप्पू के घर। क्या हुआ? हर वक्त डांटती रहती है। ओ मेरी बच्ची, मुँह सदके जाऊँ। चल मैं तुझे जूस पिलाती हूँ। चल ना किया कर शरारते। अब बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम खाला की जान, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन आपसे नाराज हूँ, आप कल मेरी सालगिरह पे क्यों नहीं आए? आपकी खाला गंदी है ना, इसलिए नहीं आई थी, लेकिन आज मैं आपका गिफ्ट लेके आई हूँ, ये लो भाई। थैंक यू। वेलकम। ये देखे। आसिफ बेटा जाओ जाके होमवर्क करो। ओके शाबाश। शाकरा मुझे बताओ क्या हुआ है? खुरम भाई ने कुछ कहा, उनकी अम्मी ने कुछ बोला? खुरम की जॉब चली गई है, कल भी पूरा दिन उनका मूड ऑफ था, मैंने सोचा मैं आऊं और मुनीर भाई को आके सारा माजरा बताऊं। मैं मुनीर से बात करूंगी, कोई ना कोई हल वो जरूर निकालेंगे। मुनीर भाई हमारे लिए आखिर कितना करेंगे? क्यों ना करें, तुम मेरी बहन हो तो मुनीर की भी बहन ही हुई ना।
अल्लाह मुनीर भाई को लंबी जिंदगी दे, बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप बाजी। अम्मा नहा लें, ये आपके कपड़े इस्त्री करके लाई हूँ। तैयार हो जाएं, बैंक जाना है, आपकी पेंशन लेनी है और मजीद भाई ने भी आपके लिए कुछ पैसे भेजे। क्या तकदीर है, दो दो बेटों के होते हुए माँ को बहू लेकर घूम रही है, तो क्या फायदा ऐसे बेटों का। अम्मा आप मजीद भाई के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं, उनकी तो मजबूरी है इसलिए वो बाहर रहते हैं, असल मसला तो नजीब का है। ठीक कहती हूँ। सोबिया कहाँ है? आज तो वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी अपने बाप पर। बच्ची का कसूर नहीं है, बाप को जो करता देख रही है ना, वही तस्वीर उसके जहन में बन रही है। ये बेटियां ही होती हैं जो दुख सुख में साथ निभाती हैं, मगर ये बात नजीब को कौन समझाए? वो तो कहते हैं कि मैं दोबारा माँ बनने की कोशिश करूं। होश में तो है नजीब? अरे भूल गया, सोबिया की दफा डॉक्टरों ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई थी। उनको अपना वारिस चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारे शोहर की तो बड़ी जायदाद रखी है जिसके लिए उसे वारिस चाहिए। आने दो जरा इसे, करती हूँ मैं बात। ना ना रहने दे। क्यों रहने दूं? अरे उसे कुछ नहीं कहूंगी ना तो और सर पर चढ़ जाएगा। तो क्या आपके समझाने से उसकी सोच बदल जाएगी? छोड़े अम्मा, बस आप तैयार हो जाएं तो चलते हैं, मुझे आवाज दीजिएगा मैं आ जाऊंगी। वो नजीब भाई को पैसे मिल जाएंगे? पैसे? जी, वो अम्मी को अस्पताल लेके जाना है, तबीयत खराब है उनकी। हाँ हाँ, माँ को कहना कि मेरे लिए दुआ करें। हाँ इंतजाम हुआ? वो भाई कर रहा हूँ। तुम इंतजाम करोगे और मैं करके आया, बस पैसे ना दिए तो ये दुकान तुम्हारी अपनी, इसके कागजात भी तैयार हैं। भाई मैंने आपको कहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे दूंगा आपके पैसे, मार्केट में मेरी इज्जत है। तो माल उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब अपनी खैर मनाओ, कल तक मेरे पैसे निकालो, नहीं तो हो जाएगा इंतजाम, आप परेशान ना हो, हो जाएगा। तुम दुकान संभालो, मैं आता हूँ। आप जाएं, आराम करें, जाएं। आसिफ बेटा फोन देखो। आपका फोन है मामा, मैं क्यों देखूं? अच्छा ये बात है, चलो टैप दो मुझे। मैं नहीं दूंगा। नहीं तो क्या, दो मुझे। आपका फोन गिर गया। हाँ किधर? अरे ये लड़का भी ना। हेलो। हाँ कैसी हो? वैसी हूँ जैसे सुबह छोड़ के गए थे आप। ये नहीं, दो घंटे में तुम जरा नहीं बदली। ज्यादा इधर उधर ना करें, अपना दिल काम में लगाएं। मुनीरा जी, दिल तो आपसे लगा बैठे हैं और कहाँ लगाएं। अच्छा जल्दी से काम की बात करें, मुझे भी खाना भी बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रख देता हूँ। अच्छा अब नाराज होने की एक्टिंग ना करें, क्या बात। हाँ कहना मुझे ये था कि शाम को आप तैयार रहिएगा, बाहर खाने के लिए जाएंगे और आसिफ का रिजल्ट भी लेकर आ रहा हूँ। कहाँ है आसिफ, मेरी बात करवाओ उससे। अच्छा बात कराती हूँ। आसिफ, आसिफ बेटा जल्दी आओ, बाबा का फोन है। जी मामा आ रहा हूँ। ये जो आपने इसको टैब ले दिया ना, बिल्कुल बच्चा बेकार हो। मामा जल्दी दिखाएं, जल्दी बात करवाएं मेरी। ये लो बात करो। जी बाबा, आप मेरे स्कूल गए थे, रिजल्ट आ गया मेरा। जी बेटा। A+ ही आया होगा मेरा ग्रेड तो।
जी। ये बाबा आप जल्दी से आ जाए फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होगी, आखिर मेरे बेटे की खुशी है। लव यू बेटे। लव यू टू बाबा। मामा आपको पता है मेरा फिर से ए प्लस आया। शाबाश। तो फिर मुझे एक और टैबलेट दे दें। एक लगाऊंगी तुम्हें। ये बाप बेटा भी जान है मेरी। क्या हुआ ना जी? कुछ नहीं अम्मा, समझ नहीं आ रहा, तबीयत बोझल हो रही है, पसलियों में दर्द हो रही है। ला खैर करे, खैर तो है ना? हाँ संभल के नजीब। सलमा सलमा आप बैठे, आप बैठे, रहने दे उसे, बैठे आप। खैर करे नजीब, संभल के। क्या लिखा है सोफिया, समझ ही नहीं आ रही। मैंने तो ठीक लिखा है, आपको पढ़ाना नहीं आता। क्या हुआ है आपको? ये मनोज क्या कर रही है इधर? निकालो इसे यहां से बाहर। होमवर्क कर रही है, चली जाएगी। मैंने कहा निकालो यहां से बाहर इसको। जाओ मैं आती हूं। आपको हुआ क्या है? नजर नहीं आ रहा, तबीयत खराब है मेरी। लेकिन तबीयत को हुआ क्या है कुछ तो बताएं। सीने में दर्द हो रही है, तबीयत बोझल हो रही है। अच्छा आप ऊपर आओ, सीधे होके लेटो। आपके तो हाथ पैर ठंडे हो रही है। या अल्लाह, मैं रफीक भाई को फोन करती हूँ। अम्मा अम्मा जी। मनीर सर, मैं बस वो ब्रेकडाउन बना के आ ही रहा था, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। यार ब्रेकडाउन तो चलो तुम बना ही लोगे, लेकिन मुनीर आई मस्ट से कि जब से तुमने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, यू हैव शोन अस अ वेरी गुड एफर्ट, और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि तुम्हें आगे जाने का एक चांस दिया जाए। थैंक यू सर। ये लो। क्या है ये सर? तुम्हारा प्रमोशन लेटर। सर थैंक यू वेरी मच सर। मुझे यकीन है कि तुम इस प्रमोशन के बाद और अच्छा काम करोगे। जी इंशाल्लाह। गुड लक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आज अगर मैं ब्रेकडाउन बना के अगर जल्दी वापस चला जाऊँ तो? करियर मेरे बेटे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आज अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना चाहता हूँ। ओके वेल मुनीर, आज आपके पास दो खुशखबरी हैं, एक बेटे की और एक तुम्हारी प्रमोशन की। फैमिली को लेके जाओ और बाहर अच्छा सा डिनर कराओ। ओके गुड लक। थैंक यू सर। जागे हैं आप? अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है सलमा, दर्द बहुत हो रहा है, बेचैनी है। आप परेशान ना हो, रफीक भाई आते ही होंगे। उसके आने तक तो लगता है जान निकल जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप उठे मेरे साथ चले डॉक्टर के पास। क्या हुआ नजीब? बहुत दर्द है, बेचैनी हो रही है, दर्द बढ़ता जा रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सीने में, पीठ पे। चले डॉक्टर के पास चलते हैं, अगर एडमिट किया तो मैं आपको बुलवा दूँ, अभी मैं लेकर जा रहा हूँ। चले आगे। ख्याल से चले। Thank you.
ख्याल से बेटा। जी बाबा की जान। बेटा मैं निकल गया हूँ। हाँ बस ये क्या बदतमीजी है। ओके क्या चाहिए होगा? चाबी। बटुआ गाड़ी में है। पागल समझा हुआ है क्या? गन है गाड़ी में तेरी। बटुआ निकाल। मैं कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ बटुआ निकाल। जाएंगे। पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत खराब होती है वो मर जाते हैं। अबू के लिए दुआ करो, और अगर दुआ नहीं कर सकती हो ना तो ऐसी बातें ना करो। मैं उनके लिए दुआ क्यों करूँ? क्यों? क्योंकि वो मुझे मारते हैं। तुम वाकई पागल हो गई हो। अम्मी को आने तो मैं उनको तुम्हारी सारी बातें बताऊंगी। बता दो, मैं किसी से नहीं करती। भाभी क्या हुआ यास्मी? वो मुनीर भाई। मुनीर भाई? क्या हुआ मुनीर को? आजम भाई सब खैरियत तो है? भाभी मुनीर भाई हॉस्पिटल में है। क्या? जी मुनीर हॉस्पिटल में? जी आसिम चलो बेटा जल्दी चलो, तुमसे हॉस्पिटल में। सलमा कोई खैर खबर आई? रफीक का फोन आया? जी अम्मा अभी फोन आया था उनका, कह रहे थे कि पहले से हालत बेहतर है लेकिन अभी भी आईसीयू में रखा हुआ है। अच्छा तुमने नमाज पढ़ ली है ना? चलो मैं भी शुक्राने की नफल पढ़ लूं। तुम रशीदा को बता देना परेशान हो रही होगी। तसल्ली रखें। क्या हो गया अचानक? बस कुछ नहीं कुछ नहीं, तसल्ली रखें अभी डॉक्टर आए। मेरी बात हुई थी बिल्कुल ठीक थे, कैसे अचानक हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीर साहब के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब आप ऐसा करें फौरन ब्लड अरेंज करें, हम उन्हें ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। ऑपरेशन क्यों? हौसला रखें आप, बस ब्लड अरेंज करें। ऑपरेशन के लिए क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं आप, कुछ नहीं होगा मुनीर भाई को, आप फिक्र मत करें, दुआ करें, दुआ में बहुत असर है। आप हाँ बेटा तुम भी दुआ करो, बाबा को कुछ ना हो, उनको कुछ ना हो। कुछ आप परेशान ना हो, कुछ दुआ करें बस उनके लिए। सलमा घबराओ ना, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ? अच्छे भाई वो हमें छोड़ गए, आप इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा 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 ठीक नहीं है शाकरा।
हौसला करें बाजी, हिम्मत रखें, देख लीजिएगा सब खैर होगी। शाखा मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है, डॉक्टर्स उनको ओटी में ले गए, किस चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या हुआ? सब खैर होगी। मेरी अभी बात हुई थी, तो ठीक थे? अभी देखिएगा अपने पाँव पे चलते हुए वापस आएंगे, बस हिम्मत करें। डॉक्टर साहब मुनीर ठीक है ना? हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन लेकिन मुनीर साहब को बचा नहीं सके।